देश में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र ही है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 1,00,000 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट टेस्टिंग लैब में COVID-19 के टेस्ट फीस में भारी कटौती की है। उद्धव सरकार ने निजी लैब की तरफ से ली जा रही कोरोना टेस्ट फीस में 50% से ज़्यादा की कटौती की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि सरकार ने निजी लैब द्वारा लिए जा रहे कोरोना टेस्ट की फीस को 4,300 रुपये से घटाकर 2,200 रुपये कर दिए हैं। जाहिर है राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सर्दी खांसी बुखार कोरोना के आम लक्षण हैं, लेकिन एक नई स्टडी की माने तो इन सबसे पहले कोविड के कई मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये स्टडी अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन ने की है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से आधे में COVID-19 के न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखे, जिसमें सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्र करने में कठिनाई, दौरे पड़ना, स्ट्रोक, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।